हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश महापुरी। जय श्री कृष्णा। इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, पेंसिल ले रहा हूँ मैं ब्लैक 6B। आज हम मोर पंख कंप्लीट करेंगे। ये बीच में जो आपको थोड़ा सा शेडिंग दिख रहा है वो मैंने ट्राई किया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जहाँ डार्क दिख रहा है वहाँ पे मैंने डबल ई का यूज़ किया था। ओके, तो बाकी का शेडिंग मैं कर रहा हूँ पेंसिल 6B ब्लैक शेडलर। इसमें जितना भी टाइम लगे इसको थोड़ी शांति से ही बनाएंगे, यानी कि रियल टाइम वीडियो। इसका पूरा बॉर्डर जो है वो मैं 6B से कवर करूँगा, और पेंसिल कंपलसरी शार्प, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। इसमें तो कंपलसरी शार्प ही चाहिए, बिकॉज बीच में जो भी ये मोर पंख के जितने भी लाइनिंग्स जा रहे हैं उसमें आपका अगर परफेक्शन लाइन में नहीं रहेगा तो इसका जो लुक है, ब्यूटी है, वो नहीं आएगा। एक बात और कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच बीच में कुछ मैं टिप्स देता हूँ तो वो आपका मिस ना हो जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी लाइनिंग्स है वो मैं कितनी केयरफुली कर रहा हूँ। और एक बात और कि बीच बीच में मैं पेंसिल भी साफ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ पेंसिल साफ रखिए, तभी ये अच्छा लाइनिंग होगा, और अच्छा लाइनिंग होगा तभी ये मोर पंख पूरा ब्यूटीफुल दिखेगा।
ओके, तो पेंसिल चेंज करके ले रहा हूँ 4B, बिकॉज ऊपर का शेडिंग है, यानी कि ऊपर की जो भी लाइनिंग है वो थोड़ी लाइट है, तो उसके लिए मैं 4B ले रहा हूँ। पेंसिल कंपलसरी शार्प, और ये 4B की जगह पे आप, अगर आपको डार्क हो रहा है 4B, तो आप 2B पेंसिल भी ले सकते हो ब्लैक में। ओके, तो यही पेंसिल 4B से मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेडिंग करूँगा। शेडिंग इस तरीके से करना है कि आपकी लाइन भी दिखे और शेडिंग भी दिखे, यानी कि लाइन आपकी जो भी हमने की है वो जानी नहीं चाहिए। ओके, तो इसको मिक्सिंग के लिए ले रहा हूँ मैं मेकअप ब्रश इसलिए क्योंकि ये करने से लाइनिंग भी अच्छे से रहेगा और शेडिंग भी स्मूथ हो जाएगा। मेकअप ब्रश को आपको अच्छे से घुमाना है। मैं हर बार बोलता हूँ कि जितने भी ब्लेंडिंग टूल्स हैं, मेकअप ब्रश है, टिश्यू पेपर है या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प है, वो आप किस तरीके से यूज़ करते हो ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपका पिक कैसा बनेगा। तो जहाँ पे डार्कनेस चाहिए वहाँ पे मैं इसको ज़्यादा घुमा रहा हूँ। ओके, तो अभी ले रहा हूँ मैं पेंसिल डबल ही, कुछ जगह पे डार्क करना पड़ेगा और बिना डार्क किए इसका लुक नहीं आएगा, तो पेंसिल डबल ही, पेंसिल शार्प रखिए। ओके, तो जहाँ पे भी मुझे डार्कनेस दिख रहा है तो कहीं हल्के हाथ से या तो फिर कहीं थोड़ा सा ज़्यादा पेंसिल घुमा के मैं डार्क और लाइट डबल ही से यहाँ पर कर रहा हूँ।
ओके, तो पेंसिल चेंज करके ले रहा हूँ, ब्लैक शेडला 4B। आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही लाइट कुछ लाइनिंग्स है, तो वो मैं 4B से प्रेशर को अप डाउन करके यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ। ओके, तो मैं अभी मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। मेकअप ब्रश को आपको यहाँ पे यहाँ पूरे में उसको घुमा देना है, फिर जो भी लाइटिंग है वो इजीली यहाँ पे इरेजर से निकल जाएगी। मेकअप ब्रश का यही कमाल है कि आप मेकअप ब्रश से जो भी शेडिंग करोगे वो आप अगर इरेज करना चाहो तो वो इजीली निकल जाएगा। ओके, तो मैं पेंसिल इरेजर का यूज़ करूँगा, कोहिनूर पेंसिल इरेजर। जहाँ भी लाइट है वो मैं इससे दिखाऊँगा, और इसमें भी वही सेम रूल्स अप्लाई होगा। जहाँ पे अगर मुझे ज़्यादा लाइट दिखाना है तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर करूँगा, और जहाँ पे पूरा डार्क भी और थोड़ा लाइट भी दिखाना है तो मैं वहाँ पे कम प्रेशर से निकालूँगा। ओके, तो इसको और अगर आपको हाइपर रियलिस्टिक बनाना हो तो आप इलेक्ट्रिक इरेजर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक इरेजर से आपको यहाँ पे डॉट डॉट देने हैं, ये देने से आपको पूरा एकदम हाइपर रियलिस्टिक बन जाएगा, और उसके ऊपर फिर ब्रश घुमा देना है तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा मगर इसमें इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी लाइट निकाला था वो मैं इलेक्ट्रिक इरेजर से यहाँ पे कर रहा हूँ।
ओके, तो मैं पेंसिल ले रहा हूँ डबल ही। कुछ जगह पे और डार्कनेस बढ़ाते हैं क्योंकि तभी शैडो दिखेगा और मोर पंख है वो पूरा मोल्डिंग दिखेगा। और बाकी जो भी राइट हैंड साइड पे जितनी भी लाइनिंग दिख रही है वो पूरी डार्क है, तो वो भी मैं डबल ही से ही करूँगा। पेंसिल कंपलसरी शार्प और जो भी शेडिंग है लाइनिंग्स के बाजू में वो भी डबल ही से करूँगा। तो ये तभी अच्छे से होगा जब आपकी पेंसिल शार्प होगी। मैं ऑनलाइन क्लास भी करवाता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट हो, यानी कि आपको और कुछ सारी ज्वेलरी या फिर स्कल्पचर इफेक्ट कुछ भी सीखना हो तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, पेंसिल चेंज करके ले रहा हूँ ब्लैक स्टेलर 4B। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है तो वो लाइनिंग्स मैं 4B से करूँगा। लाइनिंग्स को भी आपको सही डायरेक्शन में करना है, नहीं तो मोर पंख का शेप नहीं आएगा। ओके, तो सही डायरेक्शन में लाइनिंग के स्ट्रोक मारने हैं। Thank you.
ओके, पेंसिल वापस चेंज करके ले रहा हूँ, डबल ही पेंसिल। कुछ जगह पे डार्कनेस दिखाना पड़ेगा लाइनिंग्स के बाजू में। ओके, तो इसको मिक्सिंग मैं मेकअप ब्रश से करूँगा। वापिस ले रहा हूँ मैं डबल ही पेंसिल। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस ज़्यादा है, तो मैं हल्के हाथ से डबल ही से शेडिंग करूँगा। उसको मिक्सिंग के लिए वापस ले रहा हूँ मेकअप ब्रश। जैसे कि बताया, ये बहुत बड़ी टिप्स है कि मेकअप ब्रश का आप किस तरीके से यूज़ करते हो, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपका पिक कैसा बनेगा। डार्कनेस ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए ले रहा हूँ डबल ही पेंसिल। इसको भी मेकअप ब्रश से मिक्स करूँगा। ओके, इसकी डार्कनेस बढ़ाने के लिए मैं 4B पेंसिल का पाउडर बना के यहाँ पे यूज़ करूँगा। ओके, तो 4B का पाउडर ब्रश में लेके आपको जहाँ डबल ही किए और जहाँ पे आपको डार्कनेस चाहिए वहाँ पे अप्लाई करना है। और ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, आपको कम लेयर में अच्छा इफेक्ट देगा ये। तो ये आज का सबसे बड़ा टिप्स है कि आप कम लेयर में भी डार्कनेस कैसे बढ़ा सकते हो, यानी कि एक ही बार आपने डबल ही किया और उसके ऊपर डायरेक्ट फिर वापस डबल ही का पाउडर नहीं बनाना है, आपको 4B का पाउडर बनाना है। बिकॉज अगर डबल ही का बनाओगे तो एकदम ज़्यादा ही ब्लैक हो जाएगा, इतना ब्लैकनेस हमको चाहिए नहीं। तो डबल ही के ऊपर आप 4B का पाउडर बना के करते हो तो ये आपका एक या दो लेयर में एकदम परफेक्ट डार्कनेस पकड़ लेगा।
और जहाँ जहाँ मुझे डार्क दिख रहा है वहाँ पे मैं हल्के से ब्रश घुमा रहा हूँ। पाउडर पहले ब्रश में ज़्यादा होगा तो जहाँ डार्क एरिया है वहीं पे पहले ब्रश को यूज़ करना है, फिर बाद में लाइट एरिया पे यूज़ करना है। ओके, तो ये सब जितना भी डार्क या लाइट का शेडो था वो मैंने ब्रश से कर लिया है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल इरेज़र, जहाँ भी लाइट है वो मैं पेंसिल इरेज़र से यहाँ पे इरेज़ करके निकालूँगा। इरेज़र को बहुत ही सोच समझ के और कितना प्रेशर से आपको करना है वो आप पे डिपेंड है, तो वो सोच समझ के कीजिएगा। आपको अपने पिक के अकॉर्डिंग प्रेशर और वाइट निकालना है। बस ये यही है, आप पहले पेंसिल कीजिए, फिर वापस ब्रश कीजिए, फिर पेंसिल कीजिए, फिर इरेज कीजिए, लाइट डार्क निकालिए, डार्क कीजिए, लाइट निकालिए। ये बार बार रिपीट करते रहना है जब तक आपका पिक में लुक ना आ जाए, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए। तो बस यही है बस, और इसीलिए हमने पेज भी अच्छा लिया है ब्रूस्टर का 200 GSM, ताकि वो 7 से 8 लेयर्स वो बर्दाश्त कर सके अच्छे से, उस पे आप शेडिंग कर सकते हो 7 से 8 लेयर। तो बस यही है, एक बार आपने जो किया वही वापस रिपीट करते रहें तो आपका पिक बहुत ही अच्छा बनेगा। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।